जी 5 साल सवेरे अपने आप कुछ नहीं किया। 5 साल में तकरीबन 16,000 नौकरियां निकाली, उसमें से जितनी भी नौकरियां निकली वो GOIT की जो थे वो हाई कोर्ट में फंस गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में फंस गए। हमने उन उनके समय की जो नौकरियां थी उनको भी कोर्ट से जीता, सुप्रीम कोर्ट से जीता, और निश्चित तौर पर हमने 1 साल में 22,000 नौकरियां निकाली। तो जयराम ठाकुर जी को वो नजर नहीं आ रहा कि आपने 5 साल में 16,000 नौकरियां निकाली और हमने 1 साल में 22,000 नौकरियां निकाली है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जयराम ठाकुर जी, आप बताइए, आपने हिमाचल के हित में कौन से अधिकार की लड़ाई लड़ी? आप अग्निवीर योजना लाए, जिसमें पहले फौज में जो हमारा नवयुवक भर्ती होता था वो सोचता था कि मैं देश की रक्षा और सीमा की मैं रक्षा करूंगा, उसके लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान दूंगा, उसकी नौकरी आपने टेम्परेरी कर दी, यानी कि 4 साल वो अग्निवीर रहेगा, उसके बाद वो बेचारा घर आ जाएगा। आपने उस योजना के खिलाफ भी कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई, और जब आपदा आई तो उन सांसदों से भी पूछा जाना चाहिए, तीनों सांसदों से, कि आपदा हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने 22,000 परिवारों को उजाड़ कर रख दिया जिस आपदा ने, उसके लिए आपने कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज की कोई बात नहीं की। तो जयराम ठाकुर जी के पास कहने को कुछ नहीं है आजकल, वो उनको यही कहना है क्योंकि उन्हें विरोध के लिए विरोध करना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।